आ गया है। आपके शहजादे अभी तक भी उठे नहीं है। उठ जाएगा, अभी तो 11 भी नहीं बजे हैं। आप जाइए अपने काम पे। 11 बजे उठने की सलाह किसी डॉक्टर ने दी है? मिस्टर सूरज, सुबह होती नहीं कि आप हमें डिस्टर्ब करने के लिए चले आते हो। कम से कम हमें शांति से सोने तो दिया करो यार। अरे अरे अरे, बस भी कीजिए। कल रात को काफी देर से लौटा है मेरा बेटा। हाँ हाँ, बड़ी कमाईयां करके आया है ना। काम का नकाज का दुश्मन अनाज का। दिल तो करता सुबह सुबह नाश्ते की जगह जूते परोस दूं मैं इसको। सुबह सुबह बड़बड़। इस घर को आप लोगों ने मच्छी मार्केट बना कर रखा है, खाली फोकट दिमाग खराब कर रहे हैं। अरे रे 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 रे, आप इतनी जल्दी उठ भी गए? क्या चेहरे पे धूप लग रही थी सर? तू भी बैठी बैठी क्या कर रही है? जाके अंदर बिस्तर लगा दे, सांप को सोने में कितनी तकलीफ हो रही है, जल्दी जा। वेरी सॉरी सर, गलती हो गई। आइए आइए, लेट जाइए। चलना पंखा चला जल्दी। ये बेबस बेटा जी, प्यारे बेटे जी, बोलिए ना। आप तो सोने लगे हैं, लेकिन मुझे तो काम पर जाना है ना। सोने से पहले एक बात सुन लीजिए। क्या है बताइए। कुछ नहीं, वो रियल एस्टेट वाले शर्मा जी के पास एक अकाउंटेंट की नौकरी खाली थी। अकाउंटेंट की नौकरी? आपको पता है शर्मा जी 10वीं पास है और मैं ग्रेजुएट हूँ, और आप चाहते हैं कि मैं उनके यहाँ काम करूँ? बड़ी अच्छी नौकरी है, इसीलिए कह रहा हूँ कर ले। छोड़ो ना पापा, एक तो सुबह सुबह मेरी नींद खराब कर दी इस फालतू नौकरी के लिए। चाहिए मुझे कुछ देर सोने दीजिए। सुन बेटा, एक साथ नाश्ता करके ही सो जाना। क्या मतलब? क्या मुझे अभी ब्रश भी करना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये सब तो बकवास है। शेरों के मुंह भी कभी धोए किसी ने? तू सो जा सो जा सो जा बेटा, कोई फिक्र मत कर, आराम से सो जा। फूटे करम। हाँ भाई साहब, मैं चुन्नीलाल बोल रहा हूँ। मुझे केटरिंग का 20 साल का तजुर्बा है और आप मुझे ही समझा रहे हैं? मेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। फालतू बात नहीं करनी, मुझे फोन रखो। आप अपने बेटे की शादी की चिंता मत कीजिए, अभी कल परसों की तो बात है। आपकी बेटी की शादी में मेरा बनाया खाना खाकर आपके पिताजी ने क्या कहा पता है? बेटा चुन्नीलाल, तुम्हारे हाथ का खाना मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता हूँ। बेचारे अगले दिन ही चल बसे वो। काजू 4 किलो लगेंगे, बादाम 2 किलो लग जाएंगे। आप घबराइए मत, सुना है भूत प्रेत रात में घूमते हैं, लेकिन मेरे घर में तो ये दिन दहाड़े घूमते हैं। मैं उसे ठिकाने लगा दूँ, आप जाइए। हो गई तेरी सुबह? डोंट डिस्टर्ब मी। इंग्लिश में बटर बटर करता है। अरे अरे, ये क्या, आप मेरे बेटे को मार क्यों रहे हैं? क्यों मार रहा हूँ? सुबह के 11 बजे इसकी आँख खुलती है और बिना मुंह धोए चल में घुस जाता है। तो क्या हुआ, इतनी सी बात के लिए आप उसे हाथ से पिटेंगे? इसे झाड़ू से मारिए। गैस पर दूध रखा है, उबल कर निकल जाएगा। निकलने दो। हेलो पुलिस स्टेशन, हमारे घर में दो खतरनाक मुजरिम घुसाए हैं, मैंने उन्हें कमरे में बंद कर दिया है। आप आइए और उन्हें ले जाइए। नालायक, हमने क्या जुर्म किया है? हाँ किया ना, मुझे पैदा किया। अरे कुकुर कहीं का, ठीक से भौंके भी नहीं आता है। ए गीता, गीता क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो तुम? तुमसे कहा है कि मेरे शैम्पू और पेस्ट का इस्तेमाल बंद करो। क्या कहा, तुम्हारा शैम्पू और तुम्हारा पेस्ट? अपने पैसों से कम...
कमाओगे तब बताना। ये मेरी माँ की कमाई है, इसमें मेरा भी अधिकार है। रहे हो सुबह सुबह? देखो ना माँ, इसने मेरा शैम्पू इस्तेमाल किया। अरे क्यों चिढ़ता है इसे, कल को शादी करके चली जाएगी। अच्छा फिर तो और मुसीबत होगी, कल इसका पति आकर मेरा शेविंग किट भी इस्तेमाल कर लेगा। मिस्टर विशाल, देखो मुझे मेरे नाम से मत पुकारो, हजार बार बोल चुका हूँ तुम्हें। तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालोगे तो मैं भी तुम्हें भैया नहीं कहूँगी, 2000 बार कह चुकी हूँ। अरे बस करो तुम दोनों, हर रोज यही नाटक है तुम्हारा। सुन विशाल, मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है, जरा राशन की दुकान से घर का सामान ले आएगा बेटा? क्या कहा? मैं हाँ। एक हाथ में घासलेट का डब्बा और दूसरे हाथ में राशन की थैली, राशन की दुकान से धोखे लाओ, लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरी इज्जत का कचरा नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगा, इसे भेजो। अरे इसे तैयारी करनी है, शाम को लड़के वाले जो आने वाले। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, उनसे कहो यहाँ नहीं सीधे राशन की दुकान पर पहुँच जाए, वहाँ पर इसे अच्छी तरह से देख लेंगे, इस भूतनी का असली रूप वहीं दिखाई देगा उन्हें। विशाल ए चल हटना। हाय डैड, चलो 1000 रुपए निकालो। नहीं निकालूंगा। अगर आप सचमुच मेरे बाप हैं तो अभी के अभी 1000 रुपए निकालो। तुम्हारा बाप होने के नाते एक बात कह देता हूँ, अगर तुम मेरे बेटे हो तो अपने हाथों से खुद कमाओ। अपने इन्हीं हाथों से? हाँ अपने इन्हीं हाथों से। आज के बाद मैं अपने खुद के इन हाथों से ही कमाऊंगा। आइडिया देने के लिए थैंक्स बाबू। थैंक्स। सब हिसाब तो ठीक है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है तुम्हें चला। गाड़ी लेके कहाँ जा रहा है? शंकर भैया, मेरे कपड़े इस्त्री हुए क्या? हाँ हो गया। अरे यही तो था, वैसे कौन रंग का कपड़ा था? ब्लू जींस थी और रेड टी शर्ट। अरे यही तो मेरे कपड़े। अरे यही तो कस्टमर का कपड़ा, तू काहे पहन ले? अरे ना लाए, रुक इधर कुत्ता, भूख रहा है। टा 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 टा, वाओ वो सेक्सी। अबे ये क्या कर रहा है वो कस्टमर की गाड़ी अपने जूते पड़वाएगा? सुन रवि, आज की मसालेदार खबरें आप तक पहुंचा रहा है ये क्रेजी छटू। खोली नंबर 22 में हमारी गिरजा किसी लड़के के साथ घूम रही है। एवरशाइन के नए टावर में एक जबरदस्त पंजाबी जोड़ी का आगमन हुआ है। फिगर फर्स्ट क्लास। और खोली नंबर 27 में हमारी रीता बाजी के खोली के तरुण पर लाइन मार रही है। खबरें अभी बाकी है दोस्तों। खोली नंबर 42 में हमारी फातिमा सालिम के साथ भाग गई। अबे क्या हुआ, इतना क्यों रिएक्ट कर रहा है? खुशी का रिएक्शन था यार, फातिमा चली गई तो उसकी छोटी बहन पर आराम से लाइन मार सकता हूँ ना यार। ये ले खा, तू भी खा। उसे तो देख। सुनो अन्ना, चार चाय। किसके लिए? वो देखो, वो जो चाल बैठे ना दीवार पर, वो मांग रहे हैं। चल निकल यहाँ से, उनसे कहते जब तक पुराना हिसाब क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ नहीं मिलेगा। चल निकल। अन्ना कीचड़ पर पत्थर मारोगे तो कीचड़ अपने ऊपर ही गिरेगा ना, उन्हें कैसे सबक सिखाना ये मैं बताऊंगा। स्वाद तो इन खूबसूरत फूलों को देखकर और भी निखर के आया है मेरे भाई। कहत कभी विशाल की चाय पी के हम हो गए निहाल। वाह वाह, आपकी चाय से तो मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। क्या चाय है? ऐसा लग रहा है कि हम लोग साक्षात अमृत पी रहे हैं। अमृत बात है, मजा आ गया ना चाय पीकर, रोज मैं आपको ऐसी चाय पिलाऊंगा, पीजिए पीजिए। ये सुंदरिया कौन है यार? शुक्रिया। दो पेप्सी दो मिरिंडा। हाँ भिजवाता हूँ, ये ले उन्हें दे दे। सुनो ना, अच्छा हुआ लड़कियाँ आ गई, यही मौका है पैसे मांगने का। मैं कहता हूँ अभी मांगो। सच में मांग लूँ? जाओ ना। हाँ अभी ले जा। अरे सुनो रही जाओ, अब तक का हिसाब बता देता हूँ तुम लोगों को, पिछला बकाया मिला के 325 रुपए हो गए हैं, अभी के अभी पैसे चाहिए। लड़कियों के सामने इज्जत का भाजी पाला कर दिया। सुन लो, उमी से बात कर रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ, कब दे रहे हो? तो मैं चढ़े ही जा रहा है। हेलो। हाँ बोलिए। सुनिए, पैसे
पैसे देने के लिए कह रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या? जल्दी बताओ कब दे रहा है पैसे? बताने के लिए थैंक्स। अच्छा विष्णु, मेरे पास 10,000 का नोट है, अगर तेरे पास छूटे तो तू दे दे, मैं बाद में दे दूंगा। जा 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 जा। I always use my credit card. आप लोग दे देना। ओह वो क्या है कि आज तो बैंक हॉलीडे है, इसलिए मैं जरा तू दे देना। अरे ये दे देता हूँ। लगता है पर्स घर पे ही भूल गया, एक काम करता हूँ लेके आता हूँ। अबे रुक, अकेले कहाँ जा रहा है तू? मैं भी तेरे साथ आ रहा हूँ, रुक जा यार। बाय गर्ल्स। हेलो बेबी। हाय बेबी, हाउ आर यू? शादी करी है? अरे कहाँ उतर रहे हो? ये तुम्हारा स्टॉप नहीं है। अगर भूल जा जाता है उसके पीछे भौरा जाता है, तू नहीं समझा? अंकल का स्वर्गवास हो गया था, आज उनकी 13वीं है तो मुझे जाना पड़ेगा, अगर नहीं गई तो आंटी बहुत बुरा मानेंगी। अरे ये तो वही बस वाली लड़की है। अबे कौन सी बस वाली लड़की? अरे ये वही है जो हमें मोबाइल की जगह आईना थमा कर चली गई थी, याद है? ये वही है ना? बॉस से कहना मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और ये कैसेट भी उन्हें दे देना। हेलो। क्यों रे सेल फोन की हीरोइन, कल तो चुना लगा के निकल गई, आज बच के कहाँ जाएगी? ये हमारी गली है, हमारा मोहल्ला है, हमारा जिला, यहाँ हमारी चलती है। और यहाँ अगर तुम बचाओ बचाओ चिल्लाओगी भी तो भी कोई मदद करने नहीं आएगा, चाहे तो तेरा यहीं रेप कर सकते हैं, लेकिन करेंगे नहीं, पता है क्यों? हमें इतना दम ही नहीं है। और हमें प्रैक्टिस भी नहीं है। बकवास कर ली हो तो अब मैं कुछ कहूँ, शक्ल से तो चारों हीरो दिखते हो पर जबान खोलते ही सब कुछ जीरो हो जाता है। नहीं तो क्या, उस दिन बस में मुझे बॉलीवुड हीरोइनों के नाम से चिढ़ा रहे थे, पुअर टेस्ट। अगर उसकी जगह एंजेली ना जोली या कैमरून डियाज जैसे हॉलीवुड हीरोइनों के नाम से चिढ़ाते तो पता है ना कितनी खुश हो जाती। टू बैड, आप लोग बस दिखने में ही अच्छे हो पर तुम्हारे कमेंट्स तो बकवास हैं। अरे बाप रे, तुम इतनी फॉरवर्ड लड़की होगी, हमने तो सोचा भी नहीं था। ओके फास्ट इज फास्ट, आज से ही हम सभी अच्छे दोस्त हैं। अच्छा वैसे तुम यहां कैसे? रूम नंबर
47 में मेरे अंकल आंटी रहते हैं। आज उनकी 50वीं सालगिरह है तो मैं उन्हें बधाई देने जा रही हूँ। अगर चाहो तो तुम लोग भी मेरे साथ चल सकते हो। नो प्रॉब्लम, तुम्हारे अंकल आंटी की सालगिरह मतलब हमारे अंकल आंटी की सालगिरह है ना, तो हम जरूर तुम्हारे साथ चलकर उन्हें बधाई देंगे। ठीक है, मैं तो घर की हूँ, कोई बात नहीं, पर तुम लोग इस तरह खाली हाथ आओगे ठीक नहीं लगेगा ना? बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। एक काम करो, तुम आगे जाओ, हम वहाँ कुछ देर में बुके वुके लेकर आते हैं। चल चलो। देखिए आंटी, जाने वाले को आज तक कोई रोक पाया है भला? ऐसे में बस आपको हिम्मत से काम लेना होगा। तुम इतनी जल्दी मिल भी ली? ये रुकना, हम अभी अंकल आंटी को बधाई देकर आते हैं। बस 5 मिनट में तुम यही रुकना, चलो अंदर चलते हैं। आगे आगे आगे। हेलो आंटी। हेलो एवरीबॉडी। हाय आंटी। हाय। विश यू मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे आंटी। ये दिन बार बार आए, आप अपने पति के साथ खुश रहो और आपके और ढेर सारे बच्चे हो, यही हमारी शुभकामनाएं। आपकी जोड़ी जिए हजारों साल, साल के दिन हो 10,000, आप दोनों के लिए हमारी यही आरज़ू। ओहो, 50वीं सालगिरह की स्वागत मुबारक हो। आखिर हमसे बच के ये जाएगी कहाँ? हम इसे छोड़ेंगे नहीं, हमें जरूर वो उसी बस स्टॉप पे मिलेगी। क्या 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 गाता डाले? सेल फोन, पुलिस कंट्रोल रूम, 50वीं सालगिरह आंटी की। तुमने क्या सोचा था कि तुम हमें फंसवा कर बच के निकल जाओगी? है? तुम्हें हम सबसे डर नहीं लगता? कौन है वे? क्या कहो? लेडीज बस में चढ़ के लेडीज को ही छेड़ोगे? चलो थोड़े आगे में तुम्हें। हम आपके पैर पड़ते हैं सर, अनजाने में हम लेडीज बस में चढ़ गए थे। सच में सर, लड़कियों को छेड़ने का कोई इरादा नहीं था, हम गलती से चढ़ गए थे। शट अप! चोर गुंडों से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन झूठ बोलने वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार किसी लड़के ने एक लड़की को छेड़ दिया था, उसके प्यारे प्यारे चेहरे पर मैंने आंसू फेंक दिया। ए सुन ले, क्या वो बोतल है अभी हमारे पास? और उसमें एसिड भी बचा है। अभी कल ही एक लड़के ने लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था, उसे लॉकअप में ही खत्म कर दिया। तो सर, आपको प्रमोशन भी मिला ना? सर, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें जाने दीजिए सर। लेडीज बस में क्यों चढ़े थे? सर, इसके दादी बड़ी सीरियस है, हॉस्पिटल में एडमिट है। अपोलो हॉस्पिटल में सर। सच सच कह रहे हो ना? कसम से सर। बैठिए सर। बस आखिरी बार पूछ रहा हूँ। इसके बाप की कसम सर, उनकी माँ अपोलो हॉस्पिटल में ही है। श्योर? श्योर सर। कॉन्फिडेंट? वेरी कॉन्फिडेंट सर। पक्का? पक्का। लॉक किया जाए? अबे झूठ है कमीनो, तुम सब लोग जिस बस स्टॉप से बस चढ़े वो ही तो अपोलो हॉस्पिटल का बस स्टॉप था। सर, तो तुम लोग इस तरह मुंह नहीं खोलोगे। डाल दो इन सबको लॉकअप के अंदर और मेरी काली वाली बेल्ट लाओ, जल्दी लेकर। अभी लेकर आया सर। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, हमें जाने दीजिए, हम आपके हाथ जोड़। हाय डैड। तुम यहाँ पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे हो? आपको अपने दोस्तों में शादी के कार्ड्स बांटने थे ना, तो ये लीजिए, मैंने सोचा कि। अरे राजू, अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? देखो हम किस्मत के मारे कहाँ फंस गए हैं। सुन, ये तेरे दोस्त है क्या? पूछने वाली कौन सी बात है सर? राजू बचपन से हमारा बेंचमेट है, क्लासमेट है, बीयर में भी है सर। वो सब छोड़िए डैडी, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? ये यहाँ नहीं आए, मैंने लेकर आया हूँ। लेडीज स्पेशल बस में ये सारे लेडे लड़कियों को छेड़ रहे थे। लड़कियों को छेड़ रहे थे? क्यों?
बे सालो, ये आदत अब तक छूटी नहीं क्या तुम्हारी? छी, डैडी, अनजाने में शायद इन लोगों से गलती हो गई। इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। छोड़ दीजिए इन्हें, वैसे भी कल इन लोगों को मेरी शादी में भी तो आना है। ठीक है, ए सुनो, जिस तरह रिपब्लिक डे पे कैदियों को माफी मिलती है, समझो तुम्हें भी मिल रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि मेरी बेल्ट से पिटे नहीं। अगर आइंदा कभी भी तुम्हें लड़कियों को छेड़ते देखा तो छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा सर। लड़की दिखी तो हम रास्ता बदल देंगे सर। सालो, तुम्हें अपने बाप से छुड़वाया है मैंने, मेरी शादी में आना मत भूलना। हेलो आंटी। हर बार आसानी से बच जाते थे लेकिन इस बार तो खड़े खड़े ही लग गए। अबे हम तो फिर भी बच जाएंगे, सिर्फ आंटियों को ताड़ रहे थे, लेकिन तुम लोग तो चार हाथ आगे निकल गए यार। सालो, सीधे दुल्हन के कमरे में ताक झांक करने लग गए थे। तुम लोग का तो गेम खत्म यार, वो इंस्पेक्टर तो काट के रख देगा तुम लोग को। मर गए यार, मैंने तो इसे कहा था कि दुल्हन का कमरा है, तू जरा शर्म कर। लेकिन ये कहता है आगे देख ले। 33 34। अंजलि, सारा सामान आ गया है ना? हाँ पापा, सारा सामान आ गया। बहुत बढ़िया। इतना सारा सामान हम अकेले कैसे जमाएंगे? कम से कम चार आदमियों की जरूरत होगी। क्या जोक मारा यार। शू तुम्हें लोगों को शर्म नहीं आती? नहीं आती। शू तुम्हारी माँ मोटी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। शू तुम्हारी बहन ने ग्लासेस नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ना खट जाए तालू, कीचड़ में पड़े जाओ। थैंक यू। बाउ बाउ बैड बॉयज। थैंक यू सो मच। मरी जाओ साला। ना, तुम्हें चार आदमियों की जरूरत है ना? मैं अभी चार मिनट में लेकर आया। नमस्कार। हेलो, चलते हो क्या? कहाँ चलना है? पुलिस स्टेशन चलना है? नहीं तो, हमने आज ही ये नया घर किराए पे लिया है। तो क्या करे, आकर इनॉग्रेशन करेगा? कोई जरूरत नहीं, सिर्फ सामान उठाने में हमारी मदद कर दो। हम और सामान उठाएंगे? पता नहीं कि हम कौन है। हाँ पता है ना, कैसेट में सब देख चुकी हूँ। तुम दोनों का तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम दोनों, अगर ये कैसेट इंस्पेक्टर अंकल के हाथ लग गया तो? पहले याद दिला दिया होता तो अच्छा होता। जब तक कैसेट तुम्हारे हाथ है, हमारी गर्दन भी तुम्हारे हाथ में है ना? क्या बात कर रहा है तू? जरूर, हम जरूर करेंगे। दैट्स गुड। चलो दीदी, ये लीजिए दूध। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
खराब है ना, इसलिए यहाँ पहुँच गए। एक आइडिया है, सामान ठीक करने में इस छोटू की मदद लोगे तो अच्छा होगा। मतलब यही तुम लोगों को सुपरवाइज करेगा। डेढ़ फुट या शक्ल से होगा ये डेढ़ फुट का, लेकिन अगर उसकी एक उंगली में मैं उस स्पेशल कैसेट को रख दूँ तो ये तुम्हें कितनी अच्छी तरह नचाएगा। जय श्री कृष्ण। ए छोटू शुरू कर। जरा आप इधर तो आइए। क्या हुआ? ये बताइए, जवानी के दिनों में मैं कैसी लगती थी? जवानी? मैंने कहा था कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे। पहले जिस काम के लिए आए हो वो खत्म करो, बाद में देखता हूँ तुम लोगों का क्या करना है। और तुम यहाँ खड़ी मत रहो, पीछे आओ। मेरे प्यारे दोस्तों, लगता है ये हमारी जिंदगी का आखिरी दिन है। ओए, तुम लोगों के हाथ पैर अभी से भूल गए क्या? चलो जल्दी काम शुरू करो। मिस्टर रवि, जरा टेबल को खिसका कर सोफे के पास रख देना। मिस्टर विशाल, इन कुर्सियों को तुम टेबल के एक जित रख देना। और मिस्टर भालू, ये सारा किचन का सामान उठाकर वहाँ सेट कर देना, मैं देखने आऊंगा। और ये कचरे का डिब्बा उठाकर टीवी के ऊपर रख दूं? बेवकूफ, कचरे का डिब्बा उठाकर टीवी पर रख दूं? जा बाहर बरामदे में रख कर आ। क्या टीवी रख के आऊं? तेरी तो अकल के घास नहीं गई है। हाथी की तरह खाते हो और बिल्ली की तरह दीवार पर बैठे हो। लगता है तुम्हारे दिमाग में भूत है। भूत है ना भाई, देखो मैं कहीं गए। पानी भरना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं। क्या बात है दीदी, पहले ही दिन में तुमने उनकी छुट्टी कर दी। हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। रिंग हो रही है, इंस्पेक्टर की आवाज पता ना, उसी की आवाज में बात कर, ले पकड़। हेलो अंजलि, मैं बोल रहा हूँ इंस्पेक्टर अंकल, बगल के फोन बूथ। नहीं नहीं सॉरी, फोन बूथ से नहीं, घर से बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर अंकल, मैं ही बोल रहा हूँ बेटा, आवाज तो ठीक है ना बेटा, तुमने पहचान लिया ना? आवाज थोड़ी बदली बदली सी लग रही है। वो थोड़ा सा जुकाम हो गया, वो कहते हैं ना गले में खिच खिच हो गई है। बताइए अंकल, कैसे के लिए फोन किया ना? तुम्हें कैसे पता चला? और किस चीज के लिए आप मुझे फोन करेंगे अंकल? ओ इंटेलिजेंट गर्ल, वो कसर जल्दी से मेरे हवाले कर दो। ठीक है अंकल। मेरे बेटे के दोस्त आएंगे कसर लेने। अरे वो चार दोस्त है ना मेरे बेटे के, उनको दे देना बस तुम। कौन दोस्त? वो चार नालायक आवारा? अरे यार, वो हम सबको नालायक आवारा कह रही है। एक बार वो कैसे डालने दे, फिर बता दे, तू पहले बात कर। हाँ बेटा, उन्हीं नालायक आवारों को देना। हाँ ठीक है, उन्हें भेज दीजिए। ओके ओके, थैंक यू माय डियर बेबी। अभी तो फोन आया और तुम सब फौरन हाजिर। एसटीडी बूथ बगल में जो था। क्या एसटीडी बूथ? वैसे तुम सब आ कहाँ से रहे? और कहाँ से, इंस्पेक्टर अंकल के यहाँ से। क्या कहा तुम लोगों ने? अरे तो वही, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम इन मैडम के लेबर्स हैं। लेबर्स नहीं सर, नेबर्स हैं। कैसे कह रहे हैं? सही वक्त पर आए हो, इस शादी की कसर में तुम लोग। आपने देख लिया क्या? सब कुछ देख लिया मैंने। तुम जैसो को तो बस सीधे गोली मार देनी चाहिए। वैसे गन आपकी जेब में ही रहा, बाहर निकाली। अरे कहाँ गए? ए उठो तुम, उठो सब लोग, जल्दी करो। दरअसल ये वीडियो शूटिंग करते क्यों हैं लोग? ये दिखाने के लिए कि ये सब हमारे दोस्त हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये दिखाने के लिए। तुम शादी में आए पर कसर से गायब हो। आइंदा जब भी किसी फंक्शन में जाओगे तो वीडियो में हम जरूर दिखाई देंगे।
अंजलि बेटा मैं चलता हूँ। बाय। नमस्ते अंकल, नमस्ते। इसका मतलब हमारी फुटेज कैसेट से मैंने बचा लिया तुमने। थैंक यू सो मच। अगर उस गेंडे को पता चल जाता तो वो पक्का हमें उल्टा लटका देता, पता है तुम्हें? तुम लोग इतने डरे हुए क्यों? तुम लोगों ने मेरे साथ शरारत की तो मैंने भी तुम लोगों की थोड़ी टांग खींच ली। जस्ट इट फॉर टच। ओके, लेट्स फॉरगेट द पास्ट। आज के बाद हम सब अच्छे दोस्त बने, ठीक है? बाय द वे, मैं अंजलि हूँ। आज की खबर चैनल में कैमरा हैंडल करने का काम करती हूँ, कभी कभी एंकरिंग भी कर लेती हूँ। और तुम? मैं रवि। हाय रवि। मेरा नाम विशाल। हाय विशाल। मैं विष्णु। हाय विष्णु। मेरा नाम भानु है। पोस्ट बॉक्स तो बंद कर लो। सिट बंद कर लो यार। चलो ठीक है, आज से हम दोस्त बने हैं ना, तो मेरे घर पर इस बात पे एक छोटी सी ट्रीट। चलो अंदर आओ। चल आओ ना, बैठो। तुम लोग आपस में बात करो, मैं दो मिनट में आती हूँ। हेलो, कहाँ जा रही हो? घर में मम्मी पापा नहीं है, बाहर गए हैं। मुझे चाय बनानी तक नहीं आती, मैं पाँच मिनट में कुछ बाहर से लेकर आती हूँ। अरे सुनो, बाहर जाने की क्या जरूरत है? किचन में सामान वामान तो पड़ा होगा ना? सामान तो है, पर मुझे कुछ बनाना नहीं आता। अरे मुझे आता ना, चलो दिखाओ। खाना बना सकते हो? क्या बात कर रही हो, तुम्हें भानु के टैलेंट का अंदाजा नहीं है। इसके डैड केटरिंग के बिजनेस में मास्टर है। हाँ, और ये उनसे भी दो हाथ आगे है। तुम बस देखो, ये चुटकी में सब सेट कर देगा। अबे चल जाना। हाँ अभी लो। सही वक्त पर आई हो, ये लो जरा टेस्ट करके देखो। थोड़ा मुझे भी दो। ये तो बहुत ही बढ़िया बना है। बनाया है? इतना अच्छा खाना भरा मैं बना सकती हूँ क्या पापा? ये यहाँ इन्होंने बनाया है, इनका नाम भानु है, स्पेशलिस्ट है ये। वेरी गुड। भानु, तुम्हारी होने वाली बीवी सच में बहुत लकी होगी। बड़ी ही खुशनसीब होगी वो लड़की जिसे तुम जैसा पति मिलेगा। बड़ी ही खुशनसीब होगी वो लड़की जिसे तुम जैसा पति मिलेगा। बाय द वे पापा, मैं इनसे मिलवाना तो भूल गई, इनका नाम है विशाल। वेरी गुड पोएट। अरे इनके बारे में पता है मुझे, कैसे लड़कियों को देखकर इनके मुंह से कविता निकलती है। मैं और लड़कियां? हाँ मैंने सुना था। क्यों विशाल, क्या मेरे लिए भी एक गाना लिख सकते हो? फिल्मी गाना वाना नहीं चाहिए, बस अपनी एक छोटी सी कविता। और मेरे लिए तो तुम बहुत अच्छा लिखोगे ना, क्योंकि हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है। अच्छा माँ, इनका नाम रवि है। नमस्ते आंटी। नमस्ते। मेरे पास तो कहने के लिए कुछ है नहीं। पहले तो ऐसा क्यों कह रहे हो? दरअसल इस टीम का कैप्टन तो यही है, द मोस्ट डेयरिंग एंड डैशिंग बाइक राइडर। बस एक बार बाइक पर बैठकर उसे स्टार्ट करने की देर है, फिर क्या है, बाइक तो हवा से बातें करती है। I really like your dynamism. अरे सुनिए, जरा अपने माँ बाप को इनसे भी मिलवा दीजिए, वरना सांस फूल के यही मर जाएगा। अबे नॉर्मल हो जाए। एक्चुअली देखा जाए तो आज के दिन के मैन ऑफ द मैच तो यही है, विष्णु, मिमिक्री आर्टिस्ट। तुम्हें कैसे पता माँ? इसी का तो अभी फोन आया था, सही कहा ना? अभी थोड़ी देर पहले ही फोन किया था मुझे। बेटा अंजलि, वो वीडियो कैसेट जल्द से जल्द मेरे यहाँ भिजवा दो। इंस्पेक्टर अंकल की बढ़िया नकल उतारी। मुझे मिमिक्री बहुत पसंद है। मिमिक्री के जितने भी शोज है ना, मैं एक भी बिना मिस किए देखती हूँ, पता है? मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ किसी बढ़िया मिमिक्री आर्टिस्ट से ही शादी कर लूँ। आई लव मिमिक्री।
ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें यहाँ अच्छे फ्रेंड्स मिल गए। हम यहाँ नहीं मिले थे पापा, मैं तो इन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, पहली बार बस में। तो अपने पापा को फ्लैशबैक में ले जाने की क्या जरूरत है, अब ये हैप्पी सीन चल रहा है ना, इसे ऐसे ही चलने दो ना। अब हम लोग चलते हैं। कब मिलेंगे तुम ही बताओ ना। कल सुबह 5 बजे की जॉगिंग पर। सुबह 5 बजे की जॉगिंग पर? टाइम बदल कर 10-11 बजे नहीं रख सकती हो क्या? क्या आप लोग सुबह जल्दी नहीं उठते? नकारों का तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, उठने के बाद जॉगिंग, योगा, पता नहीं क्या। वेरी गुड, तो फिर तय रहा, कल सुबह 5 बजे जॉगिंग पर मिलेंगे, ठीक है? ओके बाय। अरे क्या चोर चोर, आई एम योर सन, अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, मैं जॉगिंग पर जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊँ तो नाश्ता तैयार होना चाहिए, यू लेजी फेलो। का हो अंधा हो गए हो का? एकर मतलब इस सपना नहीं सच है। अरे विशाल ये क्या, यहाँ पेड़ के नीचे बैठे अकेले अकेले कौन सी कविता लिख रहे हो? नहीं कोई कविता नहीं है। अगर नहीं तो फिर क्या छुपा रहे हो, क्या मुझे भी नहीं दिखा सकते तुम? नहीं ऐसे ही फालतू में कुछ लिख रहा था, तुम्हें क्या दिखाऊं? वो जो भी है फालतू है अच्छी है, इसका फैसला मैं करूं, जरा दिखाओ। नहीं अंजलि प्लीज। अरे दिखाती हूँ कि नहीं। कविता को तो फ्रेम करा के मैं हमेशा अपने दिल से लगा कर रखूंगी विशाल, इस कविता का एक एक लफ्ज, हर एक अल्फाज, इसका एहसास। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। पकाएगा ये बुड्ढा। हेलो गुड मॉर्निंग अंकल। नमस्ते अंकल। कैसे हैं अंकल? वाह 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 वाह, कितने अच्छे संस्कार दिए तुम्हारे माँ बाप ने, और एक मेरा बेटा है। सुना बच्चा लो, तुम लोगों से एक बात कहना, कोई भी बाप अपना बच्चा से यही कहेगा कि अपना आवारा दोस्त लोग के साथ मत घूमो, वरना तुम्हारा जिंदगी भी जहन्नुम हो जाएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कहूँगा, इन नालायक के साथ घूम के अपना जिंदगी मत खराब करो, न तो ही सुधरेगा न तुम लोगों को सुधरने देगा। आपने हमारी आंखें खोल दी अंकल जी। अरे ये लड़का तो बिल में छुपल आस्तीन का सांप है। अब तक तो हम इसे कुछ और ही समझ रहे थे अंकल, अब पता चला कि हमें बर्बाद करने वाला है। बेटा तुम लोगों का क्या है, तुम सब तो भीख मांग के भी गुजारा कर लोगे, पर इस कुकुर को तो कोई भीख भी नहीं देगा। पागल कुत्ता, कामचोर कुत्ता, अरे ऐसे कुत्ते को तो गोली मार देना चाहिए। बात मेरी समझ में नहीं आई, तेरे बाप ने जो गाली दी वो तुझे दे कि हमें दे? बाबूजी आपके कपड़े लाए हो, कुल मिला के 100 रुपए हो गए। सुनो आज से तुम विष्णु के ऊपर और कभी नहीं चिल्लाओगे। कहते हैं कि इंसान पहले जानवर था, पर ये नालायक तो जानवर से भी बदतर। जो भी हो मैंने कह दिया ना, तुम उसके ऊपर नहीं चिल्लाओगे। वो हमर बेटा है सर, इसीलिए तो समझा रहा हूँ, उस पे और मत चिल्लाना। वो बेटा है फिर भी ना चिल्लाओ। हाँ बेटा है इसीलिए तो कह रहा हूँ कि उस पे चिल्लाना मत। लेकिन हम उसका बाप हूँ सर। सुनो मेरी बात, वो तुम्हारा बेटा है और तुम उसके बाप हो, इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम्हें उस पर चिल्लाना नहीं है। लेकिन बाबू हम उसको जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है। हमने जन्म नहीं दिया, उसे उसकी माँ ने जन्म दिया है, अपना पेट काट कर जन्म दिया है, तुमने उसे पाला है पोसा है बस। अंदर तुम हटो, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना चिल्लाना मत। तुम उसके बाप हो, वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन तुम्हें चिल्लाना नहीं है। मैंने कह दिया ना कि तुम उस पर नहीं चिल्लाओगे, मतलब नहीं चिल्लाओगे, तुम्हें कोई हक नहीं है, तुम्हें उस पर नहीं चिल्लाना मतलब नहीं चिल्लाना है, कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। क्या किया तुमने, इसने क्या किया है? पता नहीं पाओगे। चलिए फिर बात पक्की, अच्छा सा मुहूर्त देकर शादी कर देते हैं, लेकिन सगाई के लिए कल ही आ जाए। जैसा कहे। हम चाहते हैं कि सगाई के दिन लड़की ये साड़ी पहने, ये हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। भाभी आप साड़ी ले लीजिए। हाँ ले लेती हूँ। अच्छा तो अब हमें इजाजत दीजिए। भांजी लड़का तो बहुत अच्छा मिल गया। और नहीं तो क्या, इतना पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी कर रहा है, आप बहुत खुशकिस्मत हो। भाई साहब कल सगाई का कामकाज भी आप सब मिलकर संभाल लीजिएगा। इतने साल से हम तुम्हारे पड़ोसी का इतना भी नहीं कर सकते, क्या कहते हो, संभाल लेंगे ना? हाँ बिल्कुल संभाल लेंगे। हाँ, चलते हैं बहन जी। अच्छा जी, अच्छा हम चलते हैं। यहाँ मेला क्यों लगा हुआ था? आ गया तू,
कम से कम आज के दिन तो घर पे रह जाता। गीता के लिए कितना अच्छा रिश्ता आया है पता है? हा? कल उसकी मंगनी है, इसीलिए ये साड़ी उन्होंने गीता को दी है। कल घर पर जरूर रहना। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ अंजलि, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? भानु कहीं बाथरूम तो नहीं गया? अरे नहीं नहीं, आपके बारे सारी होगा। वो देखो जनाब आ गए। आए। अरे ये क्या लेकर आए? वो क्या है ना, इस रेस्टोरेंट का जो कुक है वो अच्छा खाना नहीं बना पाता। अच्छा। इसलिए मैं अपने हाथों से बनाकर लाया हूँ। खाओ। हाँ, तुम भी लो। और अंजलि तुम भी लो, ये ले। और ये मैं खाऊंगा। चलो ठीक है भानु। हाँ। और तुम सब भी सुनो, एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। क्या बताओ? कल है ना। हाँ, कल क्या? कल मेरी। हाँ, कल क्या? कल। अरे कल कल में गाड़ी निकल जाएगी, बोलो ना कल क्या है, बताओ ना। कल इस ग्रेट अंजलि का बर्थडे है। इस तरह विश करने से काम नहीं चलेगा, कल मेरे घर में एक पार्टी होगी, वहीं आकर विश करना। सविता लक्ष्मी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, लड़के वाले हाथ में जाएंगे। अरे ओ रामू, फूलों की सजावट जरा ठीक से कर देना। बुआ जी, लड़के वालों ने जो साड़ी दी थी वो कहीं नहीं मिली। क्या कह रहे हो, मैंने तो वही रखी थी, पता नहीं कहाँ चली गयी। मंगनी तुम्हारी नहीं है, उस लड़की की है, जरा जल्दी करो। सुनिए सुनिए जी। क्या हुआ? वो जो कबर्ड में रखी थी मेरी कान की बाली, वो मिल नहीं रही है। अजय सुनते हो, मेरी चूड़ियाँ नहीं मिल रही। ए हो, सुना तो, 10,000 रुपया चोरी होगा वहाँ घर से। बहुत अच्छा रिश्ता मिलने की खुशी में मेरी माँ ने मेरे सारे दोस्तों के सामने धूमधाम से शादी करने का वादा किया था सर, अब उनके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी सर? कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी बहन खुशनसीब है जो तुमने सब भाई मिला। कुत्ते पे विश्वास करके तुम्हारे अकल पे भी पत्थर पड़ गए। चोर दीवार फाड़ के घर में घुस के बॉक्स का ताला तोड़ कर पैसे चुरा कर ले गया और ये तुम हिलाता रह गया। उसके पिता है क्या? नहीं सर, मेरी माँ का पति। अरे बोलने में भी शर्म आ रही है सर। और नहीं तो क्या, पहले तो अपने घर की देखभाल भी ठीक से नहीं कर पाए और अब जब चोरी हो गई है तो ये क्या कह के भीड़ जमा कर रहे हैं और आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अरे इनको आप क्या, कोई भी नहीं सुधार सकता है सर। सबकी तरफ से साड़ी और गहना तुम्हारे पास कहाँ से आए? बताओ कहाँ से आए?
बच्चे लोग ऐसे नहीं मानते। तुमसे बात कैसे मनवानी है हमें अच्छी तरह आता है। ये साड़ी मैंने ही इसे तोहफे में दी थी। ये बालियां मैंने ही इसे दी थी। ये चूड़ियां भी मैंने दी थी। अपने घर से 10,000 मैंने ही चुराई थी। बेशर्मी की हद है। तुमसे तो गली के कुत्ते भी अच्छे होते हैं। ऊपर से नाटक कर रहे थे। क्यों लड़की, इन सबको ट्रेनिंग तूने दी है क्या? इतनी महंगी चीजें लेते वक्त क्या तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई लड़की? बहन की शादी टूट जाएगी, इस बात की तो शर्म से है नहीं। इसका रिश्ता तोड़कर तुम भी कभी खुशी से नहीं रह पाओगी, बर्बाद हो जाओगी, बर्बाद। सुनो महारानी, अगर तुमको गाना कपड़ा का इतना ही शौक है तो कोई और धंधा ढूंढ लो। हमारा बेटा को क्यों खराब कर रही है? आप देख कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, इन चोरों को अच्छी सजा दीजिए। इन लड़कों को शह देने वाली इस लड़की को और हमारे बेटों को जेल में डालिए। तो चले। नहीं सर, आप इसे छोड़ दीजिए, हम अपनी गलती मानते हैं। सर आप चाहे तो हमें जान से मार दीजिए, लेकिन अंजलि को छोड़ दीजिए प्लीज। शट अप, अब मुझे एक लफ्ज़ और मत निकालना। जब मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा, ये कभी कहा मुझे ये ला कर दो, कभी कहा पहनने के लिए साड़ी नहीं है, कभी गहने मांगे हैं मैंने तुम लोगों से, अपनी बर्थडे का केक खाने के लिए क्या मैं तुम्हारे आगे भीख मांग रही थी? अपने ही घर में चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुम लोगों को? इस तरह चोरी के गिफ्ट देने से अच्छा अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई से अगर तुम लोग एक बुके या फिर सिर्फ एक चॉकलेट, वो भी नहीं चाहिए, बस एक बार दिल से अगर मुझे हैप्पी बर्थडे कह देते तो मैं कितनी खुश होती पता है? आज मेरे जन्मदिन पर भरे बाजार में लोगों के सामने ये चोरी की चीजें पहनकर ऐसा लग रहा है कि मैं बिना कपड़ों के खड़ी हूँ। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे, इस तरह की मेहरबानी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी ये चोरी की चीजें पहनकर अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर पर बिच्छू रेंग रहे हो, जैसे कोई घास लेट पहनकर मुझे जला रहा हो। नहीं चाहिए, ये बेइज्जती की कमाई तुम्ही लोगों को मुबारक हो। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज से तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो, दुश्मन हो, दुश्मन हो कम सा। सच यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जो हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, पर सच्चाई तो नहीं बदलेगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुमने मना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगा। सोच समझ कर जवाब देना, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। फोन मत काट देना, मैंने जो भी किया उसके बाद जायज है कि तुम मुझसे ना बोलो, पर मैंने ऐसा क्यों किया पता है? आई लव यू अंजलि। तुमने अगर हाँ कहा तो खुश नसीब समझूंगा, और अगर ना कहा तो मैं इस दुनिया से। मैं विष्णु बोल रहा हूँ, सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं है। आई लव यू अंजलि। शायद तुम मुझे समझ सको। जब से हमारी दोस्ती हुई है तब से तुम ही मेरी प्रेरणा, मेरी कविता और मेरी जिंदगी हो। आई रियली लव यू। अगर तुमने मुझे ठुकरा दिया तो फिर मैं ये कविता ही क्या, ये दुनिया ही छोड़कर चला जाऊंगा। तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा, तुम्हारा विषय। अंजलि,
खाओ खाओ बिंदास खाओ। थैंक यू। ये क्या भैया, कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं मिलेगी क्या? गले की चेन, हाथ की अंगूठी या फिर घड़ी, मैं कुछ भी ले लूंगा। इस अनाथ का तो कुछ भी चल जाएगा। दे दो ना, दे दो ना जल्दी। खत आया है, मैंने टेबल पे रखा है। डियर रवि, आज तक मैंने तुम्हारी दोस्ती को समझा है, पर उसमें छिपे एहसास को मैं आज समझ पाई हूँ। मैंने हमेशा से तुम जैसे साथी की ही कामना की है, तो अब मैं मना कैसे कर सकती हूँ? लेकिन मेरी एक शर्त है, जब तक तुम्हारी जिंदगी सही पटरी पर नहीं आ जाती, हमें ये बात किसी से नहीं कहनी चाहिए, यहाँ तक कि दोस्तों से भी नहीं। हम दोनों की जिंदगियों को एक सही दिशा मिलनी चाहिए, और मैं उसी दिन का इंतजार करूंगी। तुम्हारी प्यार अंजलि, 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 अंजलि। अच्छा सुनो, आइंदा ऐसा रिश्ता लेके मेरे दरवाजे पे मत आना, ठीक है? जैसा आप चाहते हैं, मैं वैसा ही रिश्ता लेके आऊं। चलो, हाँ। ये रिश्ते की बात किसकी हो रही है अंकल? और किसकी होगी, मेरी बेटी अंजलि की। पंडित जी हमारी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता लेकर आए थे। तो आपने क्या कहा? अरे मना कर दिया। इसलिए मना किया ये नहीं पूछोगे? क्यों मना किया? अरे लड़का बहुत ही खूबसूरत है, करोड़ों की जायदाद भी है उसके पास, और हाँ इकलौता है वो। काम काज कुछ करता नहीं, बस खाता पीता और सोता है। ऐसे लड़के को मैं अपनी बेटी कैसे दे दूँ? ऐसी लड़की जो खुद मेहनत करके महीने में 30,000 कमाती है। अब तुम ही बताओ, कल को किसी ने पूछा कि तेरा पति क्या करता है, तो क्या कहेगी बेचारी? है? दिन भर खाली घूमता है, बस रात में मेरे साथ ऐश करता है, यही कहना पड़ेगा उससे? है? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? मर्द की पहचान उसके काम से होती है। जो अपने काम की और अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो असली मर्द है ही नहीं। यहाँ चपरासी की नौकरी के सिवा और कोई नौकरी नहीं है, आप जा सकते हैं। चपरासी की नौकरी भी चलेगी सर, काम दे दीजिए। चपरासी की नौकरी मतलब किसी काम के लिए मना नहीं करोगे? टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, काम भी भरपूर होगा, कर पाओगे? करूंगा सर। तो ठीक है, मेरी बीवी आती होगी, वो ही यहाँ की बॉस है, एक बार उससे बात कर लो। अरे वो देखो आ ही गई। अरे हमें भी तो साथ ले लो, ले लो जाने मन। अरे आंखें देखो, ओए होए गुस्सा देखो, ओए होए। अरे आजा मेरे गले लग जा, सुन ले। तुमने ग्रेजुएशन कब पूरी की? 5 साल पहले सर। कोई काम का एक्सपीरियंस? जी नहीं। इसका मतलब इसके पहले कहीं कोई काम नहीं किया? नो सर। तो 5 साल में सिर्फ अपनी जिंदगी मजे से एंजॉय की? एग्जैक्टली सर। मिस्टर विवेक, एक मिनट यहाँ आइए प्लीज। यस सर। गोडाउन के सारे स्टॉक्स चेक कर लिए तुमने? चेक कर लिए सर, सारे स्टॉक्स क्लियर हैं सर, और एक कंसाइनमेंट अभी अभी क्लियर हुआ है। वेरी गुड। वैसे अभी तुम्हारा 5th सेमेस्टर चल रहा है ना? फाइनल सेमेस्टर सर। मतलब पास हो गए? अब तक रिजल्ट नहीं आया सर। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जाओ अपना काम कर लो। ओके। मिस्टर रवि सर, आप जानते हैं वो कौन है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है, इसके पिता एयरपोर्ट में मैनेजर हैं। मालूम है आपको उनकी सैलरी क्या है? महीने के 1,00,000 रुपए। इस लड़के को काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो अपनी मेहनत की कमाई से पढ़ भी रहा है और यहाँ पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, और आप खुद को मामूली मैकेनिक के बेटे बता रहे हैं, इसके बावजूद पिछले 5 साल से खाली घूम रहे हो। बच्चा जब तक दूध के लिए रोए नहीं, तब तक माँ भी दूध नहीं देती। हमें इस कंपनी के लिए मेहनती लोगों की तलाश है, जिंदगी जाया करने वालों की नहीं। यू कैन गो। क्या बात है भैया, आजकल आप लोग यहाँ आते ही नहीं, आपके बिना ये खाली दीवार और भी खाली लगती है, बिल्कुल अनाथ हो गई है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्या खाओगे ये बताओ? इडली, वड़ा, डोसा, पूरी, चपाती। अबे चल, हट हट हट। बटर वड़ा पाव भाजी, कांदा भजिया, समोसा पाव, वड़ा पाव। क्या भैया इतने गुस्से में क्यों?
रही हो? कम से कम आज एक चाय तो पी लो, आखिरी दिन है। आखिरी दिन किसका बे? तेरा या हमारा? यही गाड़ दूंगा। नहीं भैया, होटल का आखिरी दिन है। अन्ना इस होटल को बेच कर अपने गाँव जाने वाला है। पर इसे होटल बेचने की क्या जरूरत पड़ गई? बात वो नहीं है भैया, इस होटल की कमाई से अन्ना ने अपने गांव में 4 एकड़ जमीन खरीदी है। वही घर बांध के सेटल होने की सोच रहा है। पर क्या है ना, इस वेटर की नौकरी कर करके मैं भी पक गया हूँ। मैं मालिक बनना चाहता हूँ, मेरा भी प्रमोशन हो जाएगा ना। थाईला गुलार दे दो ना। एक बढ़िया आइडिया आया है दिमाग में। क्या? वो क्या? ये होटल हम खरीद ले तो? हाँ, अच्छा आइडिया है। पानी का डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा। हाँ, सारे सर्विस मैं दूंगा। कैश काउंटर मैं संभालूंगा। भाई लोग, प्रमोशन तो दूर की बात है, तुम लोगों की बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरी वेटर की नौकरी भी खतरे में है। निकल। चार चार। तो बताओ कैसा लगा आइडिया? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? यहाँ से। मेहनत करने को तैयार हो तो फिर मैं साथ क्यों नहीं दूंगी? और अगर होटल का आइडिया चल पड़ा तो मेरे घर का खाना भी यहीं से आएगा। विकल की क्या है बात, जब अंजलि हो हमारे साथ। फालतू की बातें मत कर, अपने लिए इसी को परेशान करें हम। इस परेशानी की क्या बात है, मैंने कल कहा मैं फ्री में पैसे दूंगी, इसे लोन समझ लो, हर महीने तुम लोगों से सूद भी लेती रहूंगी। अरे तो फिर देर किस बात की, फटाफट निकालो 2.5 लाख रुपए। कल इस होटल का उद्घाटन धूमधाम से करेंगे, पेश है स्पेशल डोसा। अरे कार वाली पार्टी आई है, टेबल साफ कर दे। ओके। आइए सर बैठिए, बताइए क्या लेंगे? गरम गरम डोसा, नरम नरम उपमा, गरम गरम चाहिए, ठंडी ठंडी शरबत, क्या लाऊं साहब आपके लिए? ये होटल चाहिए। क्या मजाक कर रहे हैं सर, अगर होटल ही दे देंगे तो धंधा कैसे चलेगा? धंधा बंद करने आए हैं हम, जरा इस होटल के मालिक को तो बुलाओ। हमें ये होटल बेच के वो गांव चला गया है सर। बेचने वाला वो कौन है और खरीदने वाले तुम कौन हो? चुपचाप होटल खाली करो और बाहर निकलो सर। क्या बात हो गई, कोई प्रॉब्लम है क्या? इस होटल के लिए उस अन्ना ने हमारे बैंक से लोन लिया था और पिछले 6 महीने से उसने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, और अब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि वो होटल बेच के चलाएगी। सर कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? विश्वास नहीं होता तो उस बोर्ड को देखो, authenticated to आंध्रा बैंक। सर उस अन्ना ने प्लेट के, ग्लास के, स्पून के, कटोरी के, बकेट के, कुर्सियों के, टेबल के, फिनोल के, यहाँ तक के सिलेंडर में भरे गैस की एक एक पाई तक वसूल करके गया सर। जाते जाते वो बोर्ड फ्री में दे गया, हमने सोचा रिटर्न गिफ्ट है सर। हमें क्या पता था कि ये बोर्ड ही हमारी रोटियां डुबाएगा। बिना कोई पूछताछ किए हुए आपको इस होटल को खरीदने की सलाह किसने दी? सर अब जो हुआ सो हुआ, क्या वो लोन इनके नाम पर ट्रांसफर हो सकता है? धीरे धीरे ये लोग सारा कर्ज चुका देंगे। पर कौन भरोसा करेगा, कल ये भी किसी और को होटल बेच के निकल गए तो? ऐसा नहीं होगा सर, ये बड़े होनहार लड़के हैं, अच्छे पढ़े लिखे होने के बावजूद ये होटल चला रहे हैं। अगर आप बढ़ावा नहीं देंगे तो? रहने दीजिए, अगर इन जैसों को बढ़ावा दिया तो बैंक का ही नहीं देश का दिवाला निकल जाएगा। कांस्टेबल सीज द होटल। सुनिए क्या कहा आपने, ऐसे लड़कों को बढ़ावा देने से आपके बैंक और देश का दिवाला निकल जाएगा? फिर आप किन लोगों को बढ़ावा देना चाहते हैं? ऐसे लोगों को जो खुद सरकार में बैठकर देश के नाम पर आम लोगों को करोड़ों का चूना लगा रहे हैं, ऐसों को बढ़ावा देंगे? इससे क्या आपके बैंक का भला हो जाएगा? कोई भलाई नहीं होने वाली है। करोड़ों का स्कैम करके देश को डुबोने वाले हर्षद मेहता जैसों को बढ़ावा देंगे आप, जिनकी वजह से कई लोग रास्ते पर आ गए? या मैच फिक्सिंग करके करोड़ों का हेर फेर करके अपनी जेबें भर के क्रिकेट जैसे खेल को बदनाम करने वाले खिलाड़ियों को तो आप अपने सिर पर चढ़ाएंगे? ऐसे लोगों को बढ़ावा दीजिए आप। जाली नोट छापने वालों को बढ़ावा देते रहिए, शमशान पर कब्जा करने वालों को बढ़ावा दीजिए आप, और हमारे देश के नेता कुछ बफोर्स कांड में फंसा है, चारा घोटाला, टूजी घोटाला, ये स्कैम वो स्कैम, पता नहीं कितने स्कैम करके इस देश को खोखला बना दिया। देखिए इन नौजवानों की ओर देखिए, ये यंगस्टर्स अपने दिल में कई उमंगें लिए हुए हैं, अगर आप इन्हें बढ़ावा नहीं दे सकते तो किसी और को भी मत दीजिए। यही लोग कल गुंडे नक्सलवादी बनकर आपके सामने आएंगे। अब भी मौका है, ऐसे लोगों को नक्सलवादी बनकर दूसरों के घर उजाड़ने से रोक लीजिए। ये सारा देश आतंकवादियों से भर जाए उससे पहले ही अपने आप संभल जाइए। प्लीज सहारा दीजिए इन नौजवानों को। हाँ प्लीज, युवा ही देश की शक्ति है, और आप इन्हें कुचल रहे हैं। बढ़ावा दीजिए इनको, तभी देश आगे बढ़ेगा। ये क्या हाल बना रखा है, और कब तक ऐसे ही काम करते रहेंगे आप? मेरी नौकरी अच्छी है, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, आप और माँ मेरे साथ आकर क्यों नहीं रह सकते? जब भी बात निकालो तो छोटे को नौकरी मिल जाए उसके बाद आऊंगा, ऐसा कहकर आप टाल देते हैं। क्या उसने एक बार भी सोचा है आप लोगों के बारे में? कल अगर आपको कुछ हो गया तो बैंक में आप कितना पैसा छोड़ गए ये सोचने के अलावा एक आंसू भी नहीं बहाने वाला वो आपके लिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उसे। ये गुस्सा मुझ पर नहीं, अपने आप पर दिखा रवि,
जब तक माँ बाप जेब में 100 रुपए रखकर नहीं भेजते, तेरे खर्चे पूरे नहीं होते। मेरा गिरेबान पकड़ने से क्या होगा? माँ बाबा की फिक्र भले ही ना करो, सिर्फ अपने पैरों पर खड़े होकर दिखा दो, फिर गिरेबान तो क्या, चाहे तो मुझे जूते से मार ले। रवि, इस वक्त तुम यहाँ, तुम जा कहाँ रहे हो रवि? पता नहीं। घर में कुछ बात हो गई क्या? हाँ, पर मैं डर के भाग नहीं रहा हूँ। माँ बाप पर कब तक बोझ बनकर रहूंगा, इसीलिए जा रहा हूँ मैं। कुछ करके दिखाऊंगा, अपने पैरों पर खड़े होकर वापस जरूर आऊंगा। तब मैं अपने माँ बाप के सामने सर उठाकर खड़ा रह पाऊंगा और तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारा हाथ मांगने की हिम्मत कर सकूंगा। मैं जरूर आऊंगा अंजलि। रवि, रवि, भगवान कहाँ हो? अरे सुनो तो, अरे कहाँ चली गई? क्या हुआ, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? चिल्ला नहीं रहा हूँ, शर्मा जी के बेटे रवि को जानती हो ना? हाँ? वो घर छोड़ के निकल गया, ये सुनकर मुझे लगा कहीं हमारा बेटा ना चला जाए। घर में दिखाई नहीं दे रहा वो, कहीं ऐसा तो नहीं है वो भी? बस इतना ही ना, आप मेरे साथ आइए। खाना बनाने की कितनी मशीनें आ जाए, हाथों का जो स्वाद है वो मशीनों में कहाँ। क्यों, सही कहा ना मिश्रा जी? सही बोला भैया। माँ जी, रोटी के लिए शायद आटा कम पड़ जाए, थोड़ा और मिला दो। पापड़ बनाते वक्त जीरा थोड़ा ज्यादा डालो, ताकि स्वाद में चार चांद लग जाए। ये भालू, ये सब क्या है रे? आज से मैं खाने की साइंस में PhD कर रहा हूँ, सस्ता स्वादिष्ट और सेहतमंद मामला बना रहा हूँ। अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, ऐसे काम तुम्हें शोभा नहीं देते। पाठक साहब से बात करके मैं तुम्हारे लिए अच्छी नौकरी का इंतजाम कर दूंगा। क्यों? इसी काम के सहारे आपने मुझे पाला पोसा, इसी काम के सहारे आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, तो मैं ये काम क्यों नहीं अपना सकता? इसके सामने मुझे मिनिस्टर की कुर्सी भी नहीं चाहिए। डोंट डिस्टर्ब मी, गो। भगवान, सच सच बताओ, ये मेरी औलाद है ना? मतलब आप मुझ पर शक कर रहे हो? तुम भी अजीब हो, मजाक को सीरियसली ले लेती हो। अंजलि, अंजलि। हाय विशाल। थैंक यू सो मच अंजलि। अरे थैंक यू सो मच। बताओ तो हुआ क्या? मुझे बिन बताए तुमने मेरी कविताएं मैगजीन में भेज दी ना, उसी मैगजीन के पोएट्री कॉम्पिटिशन में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला। अंजलि, पहली बार किसी मैगजीन में मेरा नाम छपा है, कितनी खुशी हो रही मैं बता नहीं सकता। ये चेक दिख रही हूँ, 25,000 रुपए का है, मेरी जिंदगी की पहली कमाई, यकीन नहीं हो रहा है मुझे। ये तो बड़ी ही खुशी की बात है, लेकिन इससे बड़ा सरप्राइज है मेरे पास, जरा बाहर देखो। बढ़िया लिखा। कैसी हो अंजलि, शूटिंग ठीक ठाक निपट गई ना? जी सर, बढ़िया सर। सर, ये मेरा दोस्त विशाल है, वो मैगजीन में पढ़कर आप जिसकी कविता की तारीफ कर रहे हो। ये वही है भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा है तुमने, मैंने कहा था ना वही है। मेरी अगली फिल्म में तुम्हारा गाना एकदम फिट बैठेगा, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हारा गाना ले लूँ। सर क्या कहा आपने, ऐतराज? और मुझे, सर मेरी तो लॉटरी निकल गई। आपकी फिल्मों में तो गाने लिखने वाले आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है सर। ऐसी कोई बात नहीं, उनकी मेहनत का फल है। सुनो, अगले हफ्ते मुंबई चलना होगा, तुम्हारे गाने की रिकॉर्डिंग वहाँ रख रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक यू सर, बाद में मिलता हूँ। आज तक मैं फालतू की तुकबंदी करता रहा, पहली बार मेरी कविता की इतनी सराहना हुई है, ये सब तुम्हारी वजह से। इन पैसों पर तुम्हारा ही अधिकार है, इसलिए ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मना मत करना। देखा, तुम फिर से गलती कर रहे हो, तुम्हारी पहली कमाई पर हक मेरा नहीं है। मैगजीन में तुम्हारी कविता पढ़ी, बहुत अच्छी है, कंग्रेट्स। मेरी बहन बहुत अच्छी लड़की है, दरअसल गलती मुझसे ही हुई है, जाने अनजाने मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठा। आपका दिल बहुत बड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इस शादी के लिए हाँ कर दीजिए। अरे सर, उठो उठो। उस दिन जो भी हुआ उन सभी बातों पर मिट्टी डालो बेटा, हम तो वो सब भूल भी चुके। पंडित जी से कहकर मुहूर्त निकलवाता हूँ, तैयारी कर लो। धीरे से ले जाना, गिराना मत कहीं। दोस्त की बहन की शादी है, कुछ कमी नहीं रहनी चाहिए, चलो फटाफट। हाय भानु,
गाने का ऑर्डर तुम्हें मिला है क्या? हाँ, अपना ही तो है, पूरे शहर में पब्लिसिटी कर दी है। चाहे शादी हो, सगाई हो, मरण दिन हो, जन्मदिन हो या कोई भी अवसर हो, ये नाचीज हमेशा हाजिर है। बहुत कम खर्चे पर सारी चीज अरेंज किए भानु। अरे क्या बात करो यार, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डाइट। अबे डाइट नहीं, डीड होता है डीड। हां भाई, अमृत है अमृत, अद्भुत है अद्भुत। ये खाना जिसने बनाया है, मन करता है उसका हाथ चूम लो। विशाल कुमार, सारा इंतजाम बहुत बढ़िया था। अगर कोई मनोरंजन प्रोग्राम रख लेते तो इसमें चार चांद लग जाते। इस वक्त कुछ गाना बजाना होता, कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होती तो मजा आ जाता। अब दूल्हा दुल्हन को और दूल्हा दुल्हन हमारा चेहरा आखिर कब तक देखेंगे? शादी में आए सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया। आप सबके मनोरंजन के लिए हमने यह एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया है। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी अपनी मिमिक्री से सबका दिल लुभाने वाले एक उभरते कलाकार मिस्टर विष्णु को। मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें जरूर पसंद करेंगे। मिस्टर विष्णु, आइए, सभी आपकी राह देख रहे हैं, आइए ना। अबे जाना, अंजलि तुझे ही बुला रही है, जल्दी जा। जाना कौन मैं? मुझे तो पहले ही टेंशन हो रही है यार। अबे तेरी अकल क्या घास चरने गई है? तेरी मिमिक्री गली के नुक्कड़ से उठकर सीधा स्टेज पर जा रही है। जा, अपना टैलेंट दिखा, जाना। डर लग रहा है यार। अभी बोलना, शुरू करो ना। कुछ बोलना। कैसे शुरू करना? सोचो मत, बोलो। एक बच्चा रो रहा था, तभी सास ने बहू से कहा, अरे ओ बहू रानी, मुन्ना रो रहा है, काम छोड़ के उसे झूला तो झूला दे। तभी उसकी बहू ने कहा, अभी झूलाती हूँ सासू माँ, मेरा राजा बेटा, मेरा सोना बेटा। अरे क्या हुआ बहू रानी, बच्चे ने रोना बंद नहीं किया अभी तक? क्या करूँ सासू माँ, कितना भी झूला झूला ये रोना बंद ही नहीं कर रहा। सिर्फ झूला झूलाने से काम नहीं चलेगा, उसे कोई लोरी वोरी। अब सुनिए, एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार पिता अपने बेकार और नालायक बेटे पे किस तरह गालियों की बौछार करता है, ये देखिए। और पिता का किरदार हमारे ही मैन धर्म जी निभा रहे हैं। कुत्ते के बच्चे, बड़ा है बदतमीज बेकार नालायक बेटा है तू, सारे दिन मुफ्त की रोटियां तोड़ता है। ए, अगर तू बाज नहीं आया तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू। बेटे की चिंता करने वाला वो बाप और कोई नहीं, मेरे ही पिता है। और वो नालायक बेकार बदतमीज बेटा और कोई नहीं, मैं हूं। मेरे पिताजी मुझे कैसे डांटते हैं ये सुनिए। अरे इतना घूर काहे रहा है? अरे इतना बड़ा बड़ा कटहल का जैसा मुंह खोल के मत देखो। क्यों शंकर भैया, अपने बेटे पे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे हम उकरा से नहीं, अपना कुकुर से बात कर रहा हूँ। भले एक का जन्म कुकुर का है, लेकिन आदमी से बढ़िया है। बात भेजा में घुसा कि नहीं? यहाँ तो बाप का होटल समझ के मुफ्त में खाने वाले लोग बहुत है। किसकी बात कर रहे हो? और कौन? अरे हमारी जोरू का जना। डियर फ्रेंड्स, इनके टैलेंट को देखने के बाद अगले महीने होने वाले स्टार म्यूजिक शो में मिस्टर विष्णु को मैं स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर बुलाना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, मुझे यकीन है ये बहुत बिजी होने वाले हैं, इसलिए मैं इन्हें अभी से बुक कर देता हूँ। और एडवांस के तौर पर आप सबके सामने ये चेक इन है सौंपता हूँ।
मान लिया बेटा, ले लो। अरे आप इतनी सारी चीजें क्यों ले आए? अरे रखला बेटी, हम लड़का लोग का जन्म जरूर दिया है, लेकिन उसका जिंदगी तो तुम ही बनाई हो। उनको सही रास्ता दिखाकर कुत्ता से आदमी तुम ही बनाई हो बेटी। सच कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया, उन्हें तो उनके हुनर ने ही सवारा है। माना हमारे बेटों में हुनर है, लेकिन उस हुनर को तराशने वाली तो तुम ही हो ना बेटी। हम उन्हें आज तक पहचान नहीं पाए, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। हमने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा बेटी, पर जो हुआ उसे भूल जाओ। हम अपनी गलती की माफ़ी मांगने आए हैं। ये चीजें ले लो बेटी। इस वक्त हमें बस एक ही बात खाई जा रही है, हम सभी के बेटों की तो जिंदगी संवर गई, लेकिन रवि उसकी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, वो जहाँ भी होगा अपनी मंजिल जरूर पाकर रहेगा। बोतल लेके आना, ठीक है। थैंक गॉड, मैं तो सोच रहा था कि जाने से पहले तुमसे अकेले बात करने का मौका ही नहीं मिलेगा। अंजलि, मैंने अपनी माँ और बहन से कह दिया है कि मैंने अपने लिए लड़की पसंद कर ली है, वो सुनकर बहुत खुश हुई। लड़की कौन है पूछ पूछ कर दिमाग खा गया। तो क्या तुमने उन्हें बता दिया? कुछ नहीं बताया, मैंने कहा लौट कर वापस आऊंगा तो सब कुछ बता दूंगा। मेरे आने से पहले तुम अपने मॉम डैड से बात कर लोगी क्या? बगल के कंपार्टमेंट में टीसी है, टिकट तो तेरे पास ही है ना शायद, जाकर पता करके बर्थ कंफर्म हुई कि नहीं। मैं वो जाना यार। ठीक है, मैं बस अभी आता हूँ। इडियट, असल में मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, हमारे बारे में इसे पता नहीं है ना। बातों में कहीं उन्हें पता तो नहीं चलता। इसका सवाल ही नहीं उठता। मुंबई से वापस आते ही सीधे शादी का कार्ड छपवाऊंगा। नो एंगेजमेंट, स्ट्रेट मैरिज। अबे लिस्ट में अपना नाम तो कंफर्म है, लेकिन उसमें तो उस गधे का भी नाम है। किसकी बात कर रहे हो? एक्सक्यूज मी, हटो 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 हटो, दूर हटो। ए सुनो, ये सामान ले जाओ, बर्थ नंबर 28 पर जाकर रख दो, जाओ संभल के। ये कहाँ से? भानु तुम कहाँ जा रहे हो? क्यों, सिर्फ ये लोग ही मुंबई जा सकते हैं? क्यों बे, एक बार कह नहीं सकते थे मेरे साथ चल? इडियट्स, अब कोई अच्छे काम के लिए जा रहा है तो साथ में काली बिल्ली को कौन ले जाता है? सॉरी, ऐसे ही फालतू समझ रखा है क्या साले? मुंबई के एक बड़े फंक्शन के लिए केटरिंग का टेंडर भरा था मैंने, अप्रूव हो गया, इसलिए जा रहा हूँ मैं। कितनी अच्छी बात है कि तुम तीनों अपने अपने काम से मुंबई जा रहे हो, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे ट्रेन अब निकलने वाली है, जाओ अंदर जाके बैठो। चलो बाय अंजलि। ओके अंजलि बाय। ओके बाय, पहुंच कर फोन करना। हाँ ओके। अरे ये भानु कहाँ रह गया? अंजलि यू डोंट वरी, वो कहीं पे चढ़ गया होगा। बाय बाय अंजलि। बाय अंजलि। घायल हो जाने के बावजूद आपने इतनी दिलेरी और जांबाजी दिखाई, रियली यू आर ग्रेट। बेटा भगवान आपको लंबी उम्र दे।
वो सदा आप और आप जैसों की रक्षा करता रहे। इस साल के ग्रैंड प्री विनर है मिस्टर रवि, जो है हमारे साथ। अपने रवि का इंटरव्यू यार। नमस्ते रवि जी। नमस्ते। आप ये बताइए, बाइक राइडिंग का इंटरेस्ट आपको कब से है? दरअसल मेरे फादर मैकेनिक हैं। बाइक तो हमारे गैरेज पर पड़ी रहती थी, तो बाइक चलानी सीखना तो मेरे लिए काफी आसान था। कमीना, हम सबसे आगे निकल कर टीवी पर आ गया, देखो। आपकी कामयाबी का श्रेय आप किसे देंगे? किसी से प्रेरणा मिली है आपको? जी बिल्कुल। किससे? अपने पिता से? नहीं, अंजलि से। मेरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाली और कोई नहीं, अंजलि ही है। हेलो स्टार टीवी, आपका चैनल जिसका इंटरव्यू ले रहा है मिस्टर रवि, आप बता सकते हैं उनका एड्रेस क्या है? मंडप में अंजलि दीदी की शादी हो रही है। शादी? ये क्या? क्या ऐसे क्या देख रहे हो? बुलाओ उसे बाहर अभी। अंजलि, अंजलि, कहाँ हो तुम? बाहर आती हो या नहीं? बाहर आ। रवि, ये सब क्या चल रहा है? पापा बीच में मत पड़िए। अरे अंजलि, बाहर आओ अभी क्या अभी? तुम सीधे सीधे बाहर आती हो या फिर तुम्हें घसीटते हुए बाहर लेकर आए? बाहर आओ अंजलि, बाहर आओ। देखो तो कितनी सीधी कितनी भोली बनती है, ऐसा लग रहा है कोई देवी चलकर आ रही है। देखकर तो मन कर रहा है कि हाथ जोड़कर इसकी पूजा करूं। पर इसने जो गंदा खेल मेरे और मेरे दोस्तों के साथ खेला है उसे सबके सामने बेनकाब करूंगा। बोलो अंजलि, अपने बाप की कसम खाकर बताओ, तुमने मुझसे छिपाकर उसे, उससे छिपाकर उसे, उससे छिपाकर उसे आई लव यू कहा कि नहीं? सच बताओ, जवाब दो। कहा? क्यों कहा तुमने? घुमाने के लिए चार और शादी के लिए कोई और, बगल में नचाया हमें और मंडप में बैठा कोई और, पांच पांच मर्दों का हाथ एक साथ थामने वाली अपने आप को द्रौपदी समझती है तू? जवाब दो, हमसे प्यार का नाटक क्यों किया? हमारे साथ खिलवाड़ क्यों किया? तुम्हारे प्यार में हम पागल हो गए थे, हमें मजनू बना कर रखा था अपना, अब बोलती क्यों नहीं? बोलो ना। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम राघव है और ये मेरा बायोडेटा। मत दिखाओ मत दिखाओ, कोई जरूरत नहीं है इसकी। देखो, तुम जैसे बेकार नौजवानों की कहानी सुन सुन के मेरे सर में दर्द हो गया है। इस शहर की एक बात बताता हूँ तुम्हें, यहाँ पर तकरीबन हर दिन 5,000 लोग ग्रेजुएट होकर निकलते हैं। थू, समझे? 5,000 लोग। सुन लो, एक बड़ी अच्छी मुफ्त की सलाह है। देखो, तुम जैसे बेकार लोगों के लिए ही सरकार ने बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, तुरंत लोन मिल जाएगा तुम्हें। बड़े शान से खुद का धंधा चलाना, अगले 5 सालों में तुम भी एक छोटे से टाटा या अंबानी तो बन ही जाओगे। ऐसा लगा आइडिया? बहुत बढ़िया आइडिया सर। बढ़िया है ना? गुड थॉट, गुड स्कीम। थैंक यू सर। आपका अपना खुद का घर है ना? हाँ, पिछले साल ही करोल बाग में खरीदा है। तुम क्यों पूछ रहे हो? अगर मैं लोन लेता हूँ तो कोई गारंटर तो होना चाहिए। तुम्हें लोन दिलवाने के लिए मैं गारंटी क्यों दूंगा भला? आइडिया भी तो आप ही ने दिया ना सर। चलिए ठीक है, आप जॉब से रिजाइन करके मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाइए, हम दोनों ही 5 साल में करोड़पति बन जाएंगे। मजाक कर रहे हो? मजाक तो आप जैसे लोग करते हैं। जिन्हें नौकरी चाहिए आप उन्हें बेफिजूल की सलाह देते रहते हैं, यहाँ बैठ कर के आपको पान चबाने और बकवास करने की सैलरी मिलती है। सुनो मिस्टर, हद से आगे मत बढ़ो तुम। हद से आगे बढ़ गया हूँ लेकिन बकवास नहीं कर रहा। किसी खुददार आदमी को ललकारेंगे तो यही जवाब मिलेगा आपको। तुम खुददार हो या गद्दार हो इससे मुझे कोई मतलब नहीं, निकल जाओ मेरे ऑफिस से। और अगर नहीं जाओ तो? नहीं जाओगे तो धक्के देकर बाहर निकलो तुम्हारा। नहीं तुम्हें, मुझे ही उंगली दिखा रहे हो तुम। अभी तो बस उंगली दिखाई, जरा छू कर देखो हाथ तोड़ के रख दूंगा। और रख लो ऐसे 2-4 लोगों को काम पे, इस देश की अति तुम जैसे लोग ही तो निकाल रहे हो। परेशान हो चुका।
क्या बात है जी, क्या हो गया? अपनी नौकरी से इस्तीफा देना चाहता हूँ। क्यों, क्या हुआ पापा? मैं ट्रेन ड्राइवर हूँ या खूनी समझ में नहीं आ रहा। दो नौजवान प्रेमी थे, शायद अपने प्यार में असफल हो गए और मेरी ही ट्रेन के नीचे आकर कटकर मर गए। देखा नहीं, छोटे बच्चे थे, मासूम थे, वो टुकड़े टुकड़े हो गए, सिर कहीं धड़ कहीं, वो नजारा तो मैं देख ही नहीं पाया। छी, जब जीने की हिम्मत नहीं है तो मरने की हिम्मत कहां से आ जाती है? उनका क्या है? बस एक सेकंड लगा और आंखें बंद हो गई, उनके खेल खत्म। पता नहीं ऐसे लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उनके पीछे उनके माँ बाप का क्या होगा। एक मिनट के लिए भी उनका ख्याल नहीं आता उन्हें। छी, खैर छोड़ो, हमारे सुपुत्र कहाँ है? वो तो गया था ना इंटरव्यू। झूठ मत बोलो तुम। इस वक्त कहाँ होगा जानता हूँ मैं। अपने फालतू दोस्तों के साथ उस पूल पर बैठकर फू फू दम मार रहा होगा और फालतू की बकवासें कर रहा होगा। अबे, इंटरव्यू के लिए गया था ना, क्या हुआ? और क्या होगा, वही रोज की कहानी। मतलब आज भी किसी के बजा के आया क्या? कभी कभी तो लगता है पढ़ाई लिखाई। अबे वो देखिए ना, बाप भी आ गया होगा। उनकी ड्यूटी तो खत्म हो गई, घर भी पहुंच गए होंगे। मतलब आज भी तू पीछे के रास्ते से घुसेगा? और नहीं तो क्या। लो आ गए साहबजादे, खुद के ही घर में चोरों की तरह घुस रहे हैं। भर पेट दारू पी कर आए होंगे, खाना खिलाओ नहीं तो रात भर पेट दुखेगा उनका। गुड मॉर्निंग। आ गए तुम, पता भी है इस वक्त कितने बज गए? 3 ही तो बजे हैं। तुम लोग इतनी देर तक क्यों जगे हुए हो? जाओ सो जाओ। ये सारी बातें बाद में करेंगे, पहले आओ खाना खा लो। लेकिन मुझे। चलो ना। खाना खा लिया? इस भरे पूरे शहर में सुबह के 3 बजे रात का खाना खाने वाला सिर्फ तुम ही को देख रहा हूँ मैं। और इस भरे पूरे शहर में सुबह के 3 बजे तक जग कर अपने बेटे को सुनाने वाले एक अकेले आप ही ऐसे बाप को देख रहा हूँ मैं। मुझसे जुबान मत लड़ाओ। बताओ कहाँ थे इतनी देर तक? इसकी फ्रेंड के घर पे कोई फंक्शन था। मैंने तुमसे नहीं पूछा। बोलो कहाँ से आ रहे हो? बाहर से। बाहर से मतलब? मतलब बाहर। वही तो, कहाँ से? कहाँ ना, बाहर से। अरे भैया रुको, तो कहाँ जा रहे हो? वो भी सुबह इतनी जल्दी जल्दी। पहले नाश्ता कर लो फिर जाओ। आओ जल्दी 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 दे नाश्ता, ज्यादा देर रुका तो बम फटने लग जाएंगे। अरे वाह, ऐसी मिठास तो सिर्फ माँ के खाने में ही हो सकती है। जरा पापा तो दे दो। जरा पापा तो मतलब? पापा मतलब समझी नहीं, कुछ तीखा चटनी ले आओ। तो फिर मैं कौन हूँ? तुम तो पानी की तरह, पापा का गुस्सा ठंडा कर देती हो। अगर तुम ना हो और माँ ना हो तो मैं तो गया। बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें अपनी बहन पर। कल जब इसका रोका कर रहे थे तब तो घर से गायब हो गए थे तुम। इस खुशी के मौके पर मुझे से कड़वे करेले का क्या काम है माँ? पापा और मेरी बनती नहीं है, हमेशा हम दोनों लड़ते रहते हैं। हम दोनों की जंग देख कर कहीं इसका दूल्हा भाग ना जाए। वो बॉर्डर सिक्योरिटी ऑफिसर है, न जाने ऐसे कितने जंग देखे होंगे। वो तो अलग जंग है बहना, वो देश की लड़ाई है और ये घर की। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कल शादी में भी नहीं रहोगे। अरे ऐसा क्यों कह रही है? तेरी शादी में मंडप सजाने से तुझे विदा करने तक सारे काम करूंगा मैं, पक्का। एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? बाहर जा रहा हूँ। बाहर मतलब? मतलब बाहर जा रहा हूँ। बाहर बाहर बाहर, अरे बाहर कहाँ है? एक आदमी घर से बाहर निकलता तो वो नौकरी के लिए निकलता है, नौकरी ढूंढने के लिए निकलता है, या फिर पत्थर तोड़ने के लिए निकलता है, या फिर कोई भी काम करके पैसे कमाने के लिए निकलता है अपने घर से बाहर। तुम फालतू के दीवार पे बैठोगे, अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठकर फालतू की बकवास करोगे। अरे ये करने जा रहे हो, बता कर जाने जा रहा हूँ। बेकार हूँ मैं, निकम्मा हूँ मैं, अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ मैं, उनके साथ बैठकर दम मारने जा रहा हूँ मैं, अब ठीक है? और कितने दिनों तक उनके साथ घूमोगे? जिनके पास नौकरी नहीं होती आपकी नजर में वो सब बेकार है, और वो मेरे दोस्त है, वही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे दुख को वही समझते हैं और मेरे आंसू भी पोंछते हैं। उनके साथ वक्त बिताकर ही मुझे मन की शांति। बकवास बंद कर। तुम्हारी उम्र में काम करते करते अपनी बहन की शादी करवाई, अपने बीवी बच्चों की जिम्मेदारी उठाई और मेहनत करके अपने संसार को यहाँ तक खींचा। आपके जमाने में एक की जगह 100 नौकरियां मिल जाती थी एक इंसान को। बाहें फैला कर आई आई ये काम कर लीजिए कहकर बुलाते थे लोगों को, और आज एक काम के पीछे 1000 लोग हाथ फैला कर खड़े हैं। अगर इज्जत से नौकरी मांगने जाओ तो कुत्तों की तरह भगा देते। मेहनत करने वालों को नौकरी कहीं भी मिल जाती है, लेकिन मेहनत करने का जिगर होना चाहिए, समझे? एक हफ्ते में तेरी बहन की शादी है, शादी के कितने काम होते पता है तुझे? कुछ बताया आपने इसके बारे में? शादी कब है, कहाँ है, लड़के वालों से मुझे मिलवाया?
हैसियत से मिलवाऊं मैं तुझे कि मेरा बेटा गवर्नर है कि मेरा बेटा कलेक्टर है, क्या बोलूं मैं गवर्नर कलेक्टर होता था भी आप मुझे मिलवाते? अपने बेटे की हैसियत से नहीं मिलवा सकते? जिस दिन से तू काम करना शुरू करेगा उसी दिन से मैं तुझे अपना बेटा मानूंगा। मुझे पैदा करने से अच्छा आप एक नौकरी पैदा कर देते। आप मुझे अपना बेटा समझे या ना समझे, मैं इसे अपनी बहन समझता हूँ। एक भाई की हैसियत से हर फर्ज निभाऊंगा मैं। कर से मेरी बहन पहले कपड़े बदल लो, वहाँ पूजा शुरू होने वाली है। ठीक है, अभी बदल लेता। अरे तुम टेंशन मत लो, लेट भी हुए तो चलेगा, तब तक मैं इन लोगों के साथ पत्ते खेल लेता हूँ। क्या कहते हो? चलो आ जाओ। बेइज्जती महसूस होगी। जाओ तुम दे दो, मैं जरा मंदिर होकर आता हूँ। रघु इधर आ बेटा। क्या हुआ माँ? ये चेन जाके अपने जीजाजी को पहना देना। ये किसने दी? तेरे पापा ने दी बेटा। पापा ने? अरे तुम्हारी चाल फेंक दो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, फेंक दो। लाओ लाओ अपने अपने नोट निकालो भाई। वालों की तो अलग ही शान होती है, देखो आराम से बैठे पत्ते खेल रहे हैं। अरे सुनो भाई, दादी का मुहूर्त सुबह 3 बजे का है, तब तक बोर नहीं होना, तुम भी आ जाओ, दो चार रात खेल लो। अरे अभी जाओ, तुम क्या देख रहे हो, पत्ते लाओ ना। चलो भी जल्दी करो, हो जाएगा माँ जी। तुम जाके देखो अंजलि तैयार हुई कि नहीं। अरे भाई आ गए, इस बार बाजी मेरी है। और सुनो, पत्तों का बादशाह बैठा है तुम्हारे सामने, ये वाला क्या दिखेगी मेरे आगे। कहा था ना बाजी मेरी होगी। शो बिल्कुल। क्या बात है राजीव, निकालो भाई निकालो, पॉकेट ढीली करो अपनी अपनी, सोच कर रखो नोट रखो। हरी पत्ती दिखाओ, हरी पत्ती। चाल तो चलो फिर दे दे तुम्हें पैसे। इतना हारने के बाद और खेलना चाहते हो? पॉकेट तो खाली हो गई है, अब क्या लगाएंगे दांव पे? पॉकेट खाली है तो क्या हुआ, गले में चेन है, हाथों में कितनी अंगूठियां पहन रखी है इसने। माना कपड़े निकाल कर खेलने में शर्म आएगी तुम्हें, और चेन निकाल के खेलने में काहे की शर्म। लाओ उतारो, जल्दी उतारो इसे, देख क्या रहे हो, उतार ही दो। ये रखो। अरे ऐसे थोड़ी चलेगा यार, सही चाल चलो, क्या कर रहे हो तुम? ये बाजी भी हमारी हुई, जब तक तुम्हें पूरी तरह से हरा नहीं देते हम नहीं मानेंगे। पहले चाल तो चलो, फिर देते ना तुम्हें पैसे। अच्छा बाद बाद में नहीं चलेगा, अभी की अभी पैसे निकालो, नहीं तो निकालो अपनी अंगूठी। अगर अंगूठी चेन नहीं है तो जो कपड़े पहने वो तो उतार सकते हो। तो चलो चलो कपड़े उतार दो। क्या बकवास कर रहा है, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है ब्रदर, हाथ हटाओ गिरे बांध से। नहीं हटाऊंगा तो क्या करेगा बेटा? कोई गलती नहीं है ना? कोई गलती नहीं है यार, शुरुआत तो उन लोगों ने की थी, कसम से कह रहा हूँ। देखो अपने होने वाले जीजा और उनके दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक कर रहे हो तुम लोग। जब तक तुम मेरी बहन के मांग में सिंदूर नहीं भरते थे तुम उसके पति नहीं कहलाओगे, और ना ही मैं तुम्हें जीजा मानूंगा, और इस होने वाले रिश्ते के लिए मैं अपने दोस्तों का अपमान नहीं सहूंगा।
चांदनी तुम? मुझे रघु से मिलना है। चलो। सुन रघु, चांदनी मिलने आई है तुझसे। चांदनी, तुम यहाँ आए तरह? मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, इसलिए मैं घर छोड़ के चली आई। ये तो तुमने गलत है। अगर वहाँ रहती तो जबरदस्ती मेरी शादी करा देते। चांदनी, मेरी बहन की शादी मेरी वजह से रुक गई। मुंह छुपाने के लिए पिछले एक हफ्ते से अपने दोस्त के घर पे रुका हूँ। ऐसी हालत में मैं जानती हूँ, मगर कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो। ऐसे में मैं कहाँ जा सकती हूँ? एक लड़की बड़ी हिम्मत करके अपना घर छोड़कर आई है। सोचो मेरे दिल पर क्या बीत रही है। अब और कोई रास्ता नहीं, हम दोनों कल ही शादी कर लेते हैं। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? हर समस्या का समाधान शादी ही नहीं है। ऐसा है तो चलो, वो रहा सामने मंदिर, चल के कर लेते हैं दोनों शादी। लोग आएंगे, दुआएं देंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या? हमारा क्या होगा? कैसे जिएंगे हम? इसलिए कह रहा हूँ चांदनी, 2 महीने और रुक जाओ, मुझे नौकरी मिलने तक। अगर नहीं मिली तो? मिल जाएगी चांदनी। नहीं मिली तो? कह रहा हूँ ना, मिल जाएगी। कोई नहीं समझता मुझे, कोई नहीं। घर में पिताजी हैं जो नहीं समझते। बाहर जाता हूँ तो लोग अनाप शनाप पकते हैं। और तो और, मैं जिसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, वो भी मुझे नहीं समझते। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुमने नहीं अपनाया तो मर जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती मैं। तो ठीक है, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ। सुनिए, रघु एक हफ्ते से घर वापस नहीं आया। हाँ तो? पापा, आज भैया का जन्मदिन है। अरे तो मैं क्या करूँ? केक काट कर मैं उसकी खुशियाँ मनाऊँ? देखो, उसके जन्मदिन के लिए ही मैंने 10 दिन पहले ही कपड़े लिए थे। अरे बाप हूँ उसका, और उसने क्या किया? जब भी बाहर जाता हूँ तो हर आदमी यही कहता है कि आपकी बेटी की शादी टूट गई, आपके उस नालायक बेटे की वजह से टूटी है ना। अरे ये सुनकर शर्म से मेरा सिर झुक जाता है। एक बात और सुन लो, मेरी मर्जी के बिना अगर वो यहाँ आया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे जरा सांस ले लेने दो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सांस रुक जाए और मैं मर जाऊं। एक मिनट, तुझे पता ये कौन है? मेरी बेटी है, इसकी बहन। 10 दिन पहले ये शादी करके जाने वाली थी, पर इसकी शादी टूट गई इस नालायक की वजह से। ये बताओ, तुमने इस गधे को कैसे पसंद किया? अच्छा, शक्ल सूरत से हीरो लगता है, चलो इससे शादी कर लेते हैं ना। क्या सिर्फ दिखने में खूबसूरत हो, बॉडी वॉडी अच्छी हो तो हो जाता है क्या? पिछले 5 सालों से प्यार करती हो ना तुम इसे, और इन 5 सालों में तुम क्या करते हो, मेरे साथ जिंदगी कैसे बिताओगे, पूछा कभी तुमने इसे? और सुनना चाहती हूँ, इसने जो पैंट पहनी है ना वो मेरे पैसों की, और शर्ट तो क्या, बनियान भी मेरी कमाई के है, इसके पैरों के चप्पल भी मेरी कमाई के है, मेरी कमाई के पहनता है ये। अगर तुमने इस भिखारी से शादी की तो बताता हूँ क्या होगा, तुम्हारा खाना भी मेरे पैसों से आएगा, तुम्हारे लिए साड़ी भी मेरे पैसों से आएगी, सारी जरूरतें मुझे पूरी करनी होगी, तुम्हारे सजने संवरने का सामान, काजल, टिक्की, बिंदी, हर चीज मुझे देनी होगी। और इतना ही नहीं, तुम्हारे सोने के लिए बिस्तर, चादर, तकिया सब मुझे देना है। ये सिर्फ रात को बिस्तर का करेगा। पिछले 5 सालों में मैं जो समझ नहीं पाई वो आपने 5 मिनट में समझा दिया। बड़े ही प्यार से मेरी बेइज्जती कर दी आपने। चांदनी सुनो, प्लीज रघु, अब मुझे मत रोको, तुम्हारे पिताजी ने मेरी आंखें खोली। मैंने तुमसे कहा था। सॉरी रघु, तुम अपनी नौकरी ढूंढो और मैं अपनी जिंदगी ढूंढती हूँ। चांदनी, पापा, मिल गया ना आपको सुकून? मेरे जन्मदिन का अच्छा तोहफा दिया है आपने। मेरे प्यार के भरोसे जो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आई, उस लड़की को आपने बेइज्जत करके निकाल दिया। ठीक कहा आपने, ये पैंट आप ही की,
ये शर्ट भी आप ही ने दी है और ये घड़ी भी आपकी है और ये चप्पल सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। मेरा ये शरीर और ये जान आप ही की तो देन है पापा, और मेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है वो भी तो आप ही का है पापा। आप ही की वजह से मेरा ये वजूद है, कहने को मेरा कुछ नहीं है। कहते हैं कि 5 साल तक बाप बेटे के लिए एक पिता की तरह होता है और अगले 15 साल वो उसके लिए मार्गदर्शक बन जाता है और उसके बाद वो हमेशा उसका दोस्त ही कहलाता है। लेकिन आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बन पाए पापा, और आज एक झटके में इस 25 साल के नौजवान के आत्मविश्वास को आपने एक लड़की के सामने चकनाचूर कर दिया। अच्छा तोहफा दिया आपने इस जन्मदिन पर मुझे पापा, जिसे मैं मरते दम तक नहीं भुला पाऊंगा। आज मेरे जन्मदिन पर ही आपने मुझे मार दिया पापा। भैया, चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना। अगर किसी की बेटी ये कहे कि मैं 4 लड़कों से आई लव यू कहना चाहती हूँ, तो क्या कोई बाप अपनी बेटी को ये कहने की इजाजत देगा? पर मैंने ये इजाजत दी, पता है क्यों? क्योंकि बेटा खो जाने का दुख क्या होता है ये मैं जानता हूँ और समझता हूँ अच्छी तरह। मैं नहीं चाहता कि वो दर्द आपके घर वाले भी सहे। सुनो, किसी लड़की के लिए जान देने से पहले जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छी शिक्षा दी, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा किया, पहले उनके बारे में तो सोच लो जरा। अभी लाइफ एंजॉय करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन जब तुम 30 से 35 साल के हो जाओगे ना, तब तुम्हें अपने जीवन की असलियत का पता चलेगा। घड़ी के कांटे को पीछे तो घुमाया जा सकता है, पर जो समय बीत जाता है उसे पीछे नहीं ला सकते। तुम्हारी जिंदगी 4 दीवारी में घुटघुट कर दम ना तोड़े, होश खोकर कहीं आत्महत्या न कर बैठो, कहीं कोई ऐसा कदम न उठाओ कि जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हारे घर वाले जिंदगी भर रोए। यूथ, नौजवान हो, कुछ कर दिखाओ, इस देश को आगे बढ़ाने का जोश है तुम में, ऐसी जिंदगी जाया नहीं होनी चाहिए। बनो विजेंद्र सिंह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन जैसों के रक्षक कदम पर चलो। जिंदगी अनमोल है, मेरी मानो, जाया मत करो इसे, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ यार।